दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल को जन्मदिन की बधाई देने उनके निवास पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं ने सांसद विजय बघेल को पुष्प गुच्छ भेंट कर गजमाला पहनाकर जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। वहीं विजय बघेल के जन्म दिवस पर सजाए गए स्टेज पर अब की बार 400 पार का नारा भी लिखा हुआ था। उपस्थित सभी लोगों ने विजय बघेल को आगामी लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतने की अग्रिम शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि दुर्ग जिले के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल का जन्मदिन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। जन्मदिन के दूसरे दिन में मिलने वालों का और बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस बीच सभी धर्म के लोग यहां पर विशेष रूप से पहुंचे, वहीं मुस्लिम समाज के लोग भी वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे। समाज के लोगों द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर जन्मदिन की बधाइयां दी, साथ ही दीर्घायु होने की कामना दिल से की गई। सांसद विजय बघेल ने पवित्र माह रमजान शरीफ की बधाइयां मुस्लिम समाज के लोगों को दी है। जी जी रमजान शरीफ की सभी हमारे जो मुस्लिम भाई आए हैं पूरे समाज के प्रमुख गण, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और इस पवित्र रमजान महीने में पवित्र मन से, पवित्र भाव से देश सेवा, राष्ट्र सेवा के भाव को लेकर, जन सेवा की भाव लेकर, और हर धर्म के लोग अपने अपने धर्मों का सम्मान करते हुए दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें, इसी भाव से अल्लाह मियाँ से प्रार्थना करें और हम सब भाईचारे के रूप में रहें। हमारा हिंदुस्तान इसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण है। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई भाई, उस बात को हम सब आत्मसात करें। इसी दौरान श्रुति फाउंडेशन की महिलाओं ने भी सांसद विजय बघेल को जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही उनके दीर्घायु होने की कामना की। जी हम छत्तीसगढ़ उड़ान निधि से हैं। हमारी संस्था की ओर से जन्मदिन की बधाई देने आए थे विजय भैया को सारे लोग। अनीता वर्मा, छत्तीसगढ़ उड़ान निधि संस्था की सचिव। आदरणीय विजय बघेल भैया जी को उनके जन्मदिन के लिए विश करने आए थे और पूरी टीम के साथ आए थे हमारे आदरणीय भैया जी को। बहरहाल जिले के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल का जन्मदिन हर्ष और उल्लास के साथ हर साल की तरह मनाया गया। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।